तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बादाम शेक, वो भी घर पे, ताकि ये हेल्दी भी रहे और टेस्टी तो है ही है। तो चलिए हम झटपट से बनाते हैं बादाम शेक। ये 5 मिनट से भी कम टाइम में बन जाती है और पीने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम बिल्कुल से देर न करते हुए झटपट से बनाते हैं बादाम शेक। ये पैन में हमने 250 ग्राम दूध डाल दिया और 1 गिलास दूध हम और डालें, तो हमने टोटल 2 गिलास दूध ले लिया है और इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे एक। तो जब तक दोस्तों हमारे दूध में उबाल आ रहा है, तब तक हम थोड़े से बादाम ले लेंगे। हमने 7-8 बादाम ले लिया है और 4-5 काजू को भी हमने इसे टुकड़ों में तोड़ लिया है। 2 इलायची ले ली है। मीठे के लिए हमने मिश्री ले ली धागे वाली, इसको हम कूट के थोड़ा सा डालेंगे ग्राइंडर में और इन सब का हम एक अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं। ये दोस्तों हमने मिश्री को कूट लिया है, अब इसको हम ग्राइंडर में डाल देंगे। और मिश्री एक मीठे के लिए हेल्दी ऑप्शन है। और इधर दोस्तों हमारे दूध में एक उबाल आ गया है, तो इसको हम फ्लेम को स्लो कर देंगे थोड़ा सा और इसमें अपना डाल देंगे जो हमने ये पाउडर मिक्स करके रखा है, जो हमने इसमें मिश्री डाली है, उससे हमारा ये बादाम से और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो इसको भी हम थोड़ी देर पका लेते हैं अच्छे से, 5-7 मिनट इसको पका लेंगे ताकि दूध भी हमारा अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध खूब बढ़िया से पक रहा है और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और इसमें हम 2 चम्मच दूध डाल के इसको हम घोल लेंगे। दूध हमने पहले ही निकाल लिया था नॉर्मल, और इसको अच्छे से हम घोल देंगे ताकि हमारे बादाम शेक में एक बढ़िया सा मार्केट वाला फ्लेवर आ जाए, इससे दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसको हमने अच्छे से घोल लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। और इसको हम बस ज़्यादा नहीं, 1-3-4 मिनट इसको हम और उबाल लगा देंगे अच्छे से बस। तो ये देखिए हमारा दूध डालते ही थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। तो ये देखो दोस्तों, हमने 3-4 मिनट इसको और पका लिया कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में, तो हमारा दूध देखिए गाढ़ा हो गया है। अभी ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तब यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको हम एक बार रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर उसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो हमारा बादाम से बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो गया है और देखिए कितना सा ये गाढ़ा सा है। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है और ग्लास में अपने हम सारे बादाम शेक को डाल देंगे। तो अब इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़े से बादाम के टुकड़े से। तो ये देखिए हमारा हेल्दी सा बादाम मिल्क शेक बनके हो गया तैयार। पीजिए और बताइए कैसा बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।